हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक खाना चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजाता। हमारी आज की रेसिपी है पनीर भुर्जी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो आइए बनाते हैं पनीर भुर्जी की सब्ज़ी। पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने लिया है पनीर 300 ग्राम, 3 सामान्य आकार के टमाटर और 3 सामान्य आकार के प्याज लिए हैं। आप चाहें तो प्याज टमाटर थोड़े कम भी रख सकते हैं। और साथ में 2 शिमला मिर्च लिए हैं, 7-8 लहसुन की कलियां और छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च ली है। सबसे पहले हम पनीर को घिस लेते हैं। कद्दूकस के बड़े छेद वाली साइड से पनीर को घिसेंगे। पनीर को हमने घिस लिया है। अब प्याज को भी रफली काट लेते हैं और शिमला मिर्च के छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। टमाटर के भी मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। लहसुन अदरक को कूट लिया है और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है। अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। कढ़ाई में तेल डालेंगे। मैंने 1 चम्मच तेल लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। जीरे को चटकने देते हैं। थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब हरी मिर्च भी डाल देते हैं। लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और साथ में प्याज भी डाल देते हैं। प्याज को लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे और सिर्फ इसको ट्रांसलेंट होने तक ही फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है। आप देख सकते हैं प्याज हमारी ट्रांसलेंट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च डाल के इसे भी हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। चम्मच को चलाते रहना है। अब केवल 2 से 3 मिनट के लिए शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च को हमें पूरा कुक नहीं करना है, हल्का सा क्रंची रहने देना है। अब इसमें मसाले जाएंगे। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गर्म मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब शिमला मिर्च और प्याज को थोड़ी देर मसालों के साथ फ्राई करेंगे। यहाँ मैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। इससे हमारी पनीर भुर्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही सुंदर कलर आएगा। अब टमाटर को भी ऐड कर देते हैं। इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं और थोड़ी देर गलने तक के लिए पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें वो सीक्रेट मसाला डाल रही हूँ जिससे पनीर भुर्जी में बहुत स्वाद आने वाला है। ये मसाला है सांभर मसाला। बस 1 चम्मच सांभर मसाला डालने से हमारी पनीर भुर्जी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत ही चटक स्वाद वाली बनेगी। अब टमाटर भी गल चुके हैं, मसाले भी डल चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम पनीर। अब जल्दी से पनीर को मसालों के साथ मिक्स कर देते हैं। पनीर भुर्जी में सारे मसाले डल चुके हैं। अब बस नमक रहता है, नमक भी डाल लेते हैं। मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार नमक की क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। अब मैं हमारी पनीर भुर्जी को और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारी पनीर भुर्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब बस 2 मिनट के लिए पनीर को और पका लेते हैं। इसके बाद हमारी पनीर भुर्जी एकदम तैयार है। अब पनीर पक गया है, इसमें मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ चुका है। बस सबसे लास्ट में अब हम हरा धनिया डाल लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। अचानक आए हुए मेहमानों को खुश करने के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आपके घर जब भी कोई गेस्ट आए इसे बनाकर ज़रूर खिलाइएगा, देखिएगा आपकी बहुत तारीफ होगी। और पनीर भुर्जी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूल जाइएगा। और पौष्टिक खाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहिएगा, कांटेक्ट में रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। मैं फिर प्रस्तुत होंगी कोई नई सी रेसिपी लेकर, कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर। बाय बाय।